नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 7 स्थित इलाके में है और यहां पर ये सीसीआरटी का ये ग्राउंड है और यहां पर स्वदेशी मेला लगा है। स्वदेशी मतलब देसी, अपने देश में उत्पादन हुआ सामान यहां पे मौजूद है। खाने से लेके पहनने तक हर सामान यहाँ पे मौजूद है, उसको लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे काफी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं। आपको बता दूं, ये जो मेला है 16 से स्टार्ट हुआ था और ये कल 23 तक रहेगा। तो यहाँ पे दर्शक, यहाँ पे जो लोग लगातार आ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये मेला है, करीब 10 सालों से लगातार यहाँ पर लगता आया है और अमूमन यहाँ पर ये स्वदेशी मेला ही लगता है। और इसमें स्वदेशी क्या क्या आपको मिल रहा है, कितने स्टॉल हैं, इस सब की जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए सामने में ये शॉप है, अलग अलग डिपार्टमेंट का, कपड़ों का है, सजावट का है, खाने का है, अलग अलग डिपार्टमेंट, लगभग करीब 100 से ज्यादा यहाँ पे शॉप खुले हुए हैं। और यहाँ पे जो ग्राहक हैं घूमने भी आए हैं और खरीदारी करने के लिए आए हैं, लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पे, लगातार यहाँ पे महिलाओं, पुरुष बहुत कम है। लेकिन ये जो सिलसिला है ये शाम के 4 बजे शुरू होता है और रात के 10 बजे तक यहाँ पे लोग आते हैं और घूमते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो इस मेले का संयोजक है उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो मेला ऑर्गेनाइज किए हैं इनका मकसद क्या है। आइए हम उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के संयोजक रविंद्र सोलंकी जी हैं। ये जो मेला लगाने का मकसद आखिर है क्या? ये 2014 से इस स्थान पर लग रहा है। वैसे 1998 से दिल्ली में प्रारंभ हुआ, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी ने प्रगति मैदान में इसका शुभारंभ किया था। उसके बाद में लगातार पूरे देश में अन्य अलग अलग स्थानों पर ये मेले लगते हैं। प्रमुख उद्देश्य इसका यही रहता है कि स्व की भावना सब लोगों में जाए। इस समय क्योंकि वार त्यौहार का समय है तो सब लोग खरीदारी करते हैं, तो हमारे देश की बनी हुई चीज़ें लोग खरीदें, ये एक मुद्दा है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे हुनर वाले लोग हैं जो अलग अलग स्थान पर आर्टिजन्स काम करते हैं, बहुत अच्छा सामान बनाते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी की तरह वो अपनी ब्रांडिंग नहीं कर पाते। प्रमुख उद्देश्य ये रहता है ऐसे सब हुनरहार को, कामगारों को एक प्लेटफॉर्म स्वदेशी मेले के माध्यम से मिले जिससे वो अपने कला को यहाँ प्रदर्शित करें। मैं बहुत सारे स्टार्टअप जो नए इनोवेशन स्टार्टिंग भी किएंगे वो सभी होंगे इस मार्केट में। हम हर साल कुछ ना कुछ प्रयोग करते हैं। अच्छा, इस बार मेले का खास क्या है, क्योंकि ये लगातार 11वां साल था, लेकिन अफसोस कि कोरोना की वजह से 1 साल आपने मेला नहीं लगाया, यानी 10वां साल है आपके मेले का। इसमें नया क्या है, उन 9 सालों के अपेक्षा 10वें साल मेले में क्या है? इस बार क्या है कि यहाँ ये जो मेट्रो सिटीज है, हाई राइज बिल्डिंग है चारों तरफ में, सब लोग अपनी संस्कृति से लगभग कटे रहते हैं। हम हर स्थान पर प्रयोग करते हैं, जैसे हम कला के क्षेत्र में है तो वहाँ पर भी स्टार्टअप्स को स्थान देते हैं। इस बार क्या है कि गाँव का एक स्वरूप बनाया है। गाँव में पहले किस तरह से मोटा और शुद्ध अनाज के भोजन होता था, किस तरह से भोजन होता था, इस बार हमने गाँव का एक परिवेश कर और वहाँ बैठकर बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी, सरसों का साग, जो पुराने गट्टे की सब्जी और इस तरह का, बिल्कुल नीचे बैठकर, और यहाँ के लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, आप एक बार जाकर देखेंगे तो नीचे बैठकर बहुत अच्छे से देख रहे हैं किस प्रकार शुद्ध भोजन। अब मिनट्स की बात पहले अब शुरू हुई है, लेकिन पहले लोग बाग खाते ही मोटा अनाज थे, तो इस बार वो हमने एक चीज प्रयोग किया है यहाँ पर, एक अलग से है, बच्चों के लिए भी अलग से एंजॉयमेंट रहता है। विशेष रूप से कुछ युवाओं को हमने स्वरोजगार के साथ कनेक्ट करने का इस बार सोचा है और उसको लेकर कुछ हम काम भी कर रहे हैं। इसी तरह कुछ स्टार्टअप्स हमारे साथ में जुड़े हैं और हम इस बार मंच से जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर आज किसी मुकाम पर पहुंचे हैं, पहले रोजगार लेते थे लेकिन अब देने वाले बने हैं, ऐसे लोगों को हम रोजाना स्वदेशी सम्मान के साथ में उनको सम्मानित करते हैं, उनकी स्टोरी हम बताते हैं जिससे युवा प्रेरित हों और अपना काम शुरू करें। मेले में तो लोग खरीदारी के लिए भी आते हैं, उनके साथ बच्चे भी आते होंगे, उनके इंटरटेनमेंट के लिए क्या व्यवस्था है? हमने बहुत छोटे स्केल पर, क्योंकि इस समय में रामलीलाओं में बहुत रहते हैं, लेकिन छोटे स्केल पर कुछ हमने झूले भी रखे हैं, लेकिन उसके साथ में हमने क्या रखा हुआ है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, और वो भी संस्कारित जो चित्र रहते हैं उसका हमारा ऑफ स्टेज का एक अलग से कार्यक्रम इन बच्चों के लिए चलता है। पुराने फिजिकल जो खेल हैं वो उन बच्चों के यहाँ होते हैं। आज भी सुबह
250-300 बच्चों के अलग गेम हुए थे, एक स्किपिंग का एक बड़ा गेम हुआ था यहाँ पर। अभी छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो बहुत सारे गेम, क्योंकि सीधे अब मोबाइल में रह गए हैं बच्चे, मोबाइल से गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बहुत छोटे छोटे अच्छे गेम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। अभी देखेंगे थोड़ी देर में वो स्टार्ट भी हो जाएंगे। चलिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो हम अब बात करते हैं, आपने कहा खाने की बात करी आपने, तो मुझे थोड़ा सा भूख लग गया, खाने की व्यवस्था की जाए। चलते खाने की बात करते हैं, कहाँ है, चलते हैं। हमने खाने की बात करी थी, खाने की बात, वो भी अगर स्वदेशी हो तो फिर क्या, स्वाद के बारे में सोचकर ही मुझे यहाँ तक आने पर मजबूर कर दिया गया है। हमारे साथ रविंद्र जी लगातार बने हुए हैं। सर आपने खाने की बात करी, क्या दिखाने वाले हैं, खाएंगे बाद में, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या है। मैं आपको बताऊं, जैसे बताया था यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स है सारी, तो यहाँ पर पहले किस तरह से हमारे संस्कृति में खाना होता था, जैसे अब ये धीरे धीरे आंच में ये दूध बन रहा है, ये धीरे धीरे आंच में दूध बन रहा है, इसको बोलते हैं हरे का दूध, बहुत धीरे 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 से, और ये मिट्टी के बर्तन में है, इसका स्वाद ही अपने आप में एक अलग होता है। ये बहनें जो लगी हुई हैं, ये हमारे जो मिलेट्स हैं, मक्के की रोटी, आप देखेंगे बाजरे की सब्जी, बाजरे की खिचड़ी, और इस तरह से ये खाना सब तैयार होता है यहाँ पर। और यहाँ बैठकर बहुत, यहाँ जो मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी, वाओ, जिसे मोटा अनाज बोलते हैं ना, मोटा अनाज, मिलेट्स, पहले लोग बाग यही खाते थे, लेकिन इस बार स्वदेशी, हम स्वदेशी शब्द यूज करेंगे, स्वदेशी, बिल्कुल स्वदेशी है, मैं भी आऊं, और शुद्ध भोजन है, यही भोजन है शुद्ध। इसी तरह से बैठकर खाना, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन होता था, ये मोटे अनाज का भी एक अपना महत्व होता था, और आज वही हम चटनी के साथ में, सब्जी के साथ में, ट्रेडिशनल यहाँ की जो सब्जी है, बेसन की सब्जी है, वो साथ में, सरसों का साग ये अलग से बनता है, चटनी बनती है, ये मिक्स वेज है, लेकिन सरसों का साग भी हुआ है इधर इसमें, और अलग से गुड़ है, मक्खन है, चटनी है, ठीक है, सिंगरी की सब्जी है, जो इस तरह की जो रहते हैं, ये उस तरह के ही जैविक बने हुए हैं। आप निकाल के दिखा सकते हो, ये हरा साग है, इसे बोलते हैं हरा साग है, और साथ में देखें होगा वो अलग से रखा हुआ उसमें, तो मक्खन होगा, गुड़ होगा, शक्कर होगा, चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चीनी का इस्तेमाल यहाँ भी नहीं करते हैं, और इस तरह से बैठकर ओके, ये सारा भोजन यहाँ जयपुर में जिस तरह से देखा जाता है, लेकिन जयपुर में ठीक है कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ द्वारका में ये सब सिटी होने के कारण से लोग बाग तो बिल्कुल डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं, तो इस पर धरती पर बैठकर खाने का एक अपना महत्व रहता है। तो हमने इस बार टेबल यहाँ नहीं लगाई, हमने कहा नीचे बैठकर खाइए, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ के लोग, खूब आकर बहुत पसंद कर रहे हैं। आप इनसे भी पूछेंगे तो ये भी आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग अभी तो इनके पास भोजन तो आया नहीं है, तो कैसे इनसे बात करें, कि कैसे इनसे पूछें कि आखिर स्वाद कैसी लगी आपको। अब तो जब तक भोजन नहीं आता इनके पास तो कैसे पूछेंगे। वैसे आप स्वदेशी खाने के लिए बैठे हुए हैं सर, हमारा ही स्टॉल है ये, और हम पहले में शुरुआत मैं ही करता हूँ, यहाँ पे डेली खाता हूँ। आप अपने अपने खाने को देखा जाए तो उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि मैं खाता हूँ और अपने स्टाफ को खिलाता हूँ, ताकि वो चेक कर लें कि किसी भी चीज में नमक वगैरह कोई चीज कैसा है। एक सप्ताह से ज्यादा हो चुका है यहाँ पे आपको लगातार, सब कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो यहाँ हर साल लगाते हैं, बहुत अच्छा ही रहता है और काफी एंजॉय करते हैं लोग। और में कौन आते हैं, महिला पुरुष बच्चे सब आते हैं, बुजुर्ग बच्चे, थोड़ा सा चूल्हे की रोटी और वो बाजरा मक्की की मैं थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए गेहूं की है, अदरवाइज जो सीनियर हैं लोग हैं वो तो सब बाजरे मक्की की रोटी खा के खुश होते हैं एकदम। यानी कि रिस्पॉन्स अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स। चलिए हमने बात किया यहाँ मौजूद दुकानदार से, उन्होंने बताया कि अच्छी रिस्पांस मिल रही है, एक सप्ताह हो गया लगातार खाने के बाद। अब बच्चों के एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि खरीदारी तो बाद में बात करेंगे, खरीदारी तो है ही, बहुत सारे शॉप हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा यहाँ पे शॉप है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे नवीन जी हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, हमें इस मार्केट यानी कि इस मेले के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कितने शॉप है यहाँ पे और किस किस तरह का शॉप है यहाँ पे। वैसे लगभग 150 के आसपास दुकानें हैं, और इसमें हम बात करें कि अलग अलग राज्य के हिसाब से कपड़े भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की आइटम है, लोहार है, कुम्हार है, खाने की आइटम है। खाने में भी अगर हम बात करते हैं,
चूल्हे का खाना है, राजस्थान का खाना है, गुजरात के है, बिहार से है। तो एक छोटे से मेले के अंदर भारत को हमने बसाने की कोशिश की है कि हैंडीक्राफ्ट से जाएं हम, कपड़े से जाएं, हैंडलूम पे जाएं या खाने पे जाएं, तो हर वैरायटी को हमने यहाँ दर्शाया हुआ है। बच्चों की हम बात कर रहे थे, बच्चों के लिए ऊंट की सवारी भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। की सवारी, आइए दिखाइए ऊंट की सवारी किधर। तो ये ऊंट की सवारी पहली बार देखा हूँ किसी मेले में, ऊंट की सवारी जी। बच्चों को जोड़ने के लिए कि बच्चों को एक दिल्ली के अंदर द्वारका के अंदर ऊंट देखने के लिए मिल जाए और उसके ऊपर सवारी करने के लिए मिल जाए। ये सिर्फ सेल्फी के लिए कि वाकई में इस पे कोई घूमते नहीं? वाकई घूमते हैं, आप भी राइड ले सकते हैं। ओके, हम राइड करेंगे लेकिन पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि क्या क्या यहाँ पे है। ऊंट की सवारी के साथ और क्या क्या है? ऊंट की सवारी के साथ यहाँ पे आपको बच्चों के लिए झूले मिल जाएंगे, छोटे छोटे झूले हैं लेकिन बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। यहाँ आध्यात्मिक के बारे में भी जानकारी है? जी बिल्कुल, आध्यात्मिक के बारे में भी जानकारी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए, आप लोगों को मैंने बच्चों के लिए जो ऊंट की व्यवस्था की गई, ऊंट की सवारी अब कर सकते हैं, वो मैंने दिखाया। अब यहाँ पर झूलों की बात करते हैं। नवीन जी, अब झूलों की बात करते हैं, क्या क्या है दिखाइए मुझे। झूले में बच्चों के लिए मिक्की माउस जिसको बच्चे कहते हैं, उछल के खुद खुश होते हैं। छोटे में ड्रैगन है, बुल राइड है, एक ड्रैगन ट्रेन है, बच्चों की छोटी सी कार है, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चे के साथ उनके माता पिता हैं। और यहाँ जो झूला भी है मिक्की माउस का है, तरह तरह के यहाँ पे झूले भी हैं। यहाँ पे ये भी है, आप इस पे बैठ सकते हैं और मजे ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे बच्चों के साथ बड़े बच्चों के लिए भी यहाँ व्यवस्था, बड़े लोगों के लिए भी व्यवस्था की है। बड़े बच्चे ही बोलेंगे, अगर वो इस पे बैठते तो बड़े बच्चे ही होंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं मौजूद जो घूमने आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, यहाँ इस मेले में आए कैसा लग रहा है? अपना परिचय दीजिए। मैं श्वेता हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली कहाँ से? दिल्ली हौसखर से। हौसखर से यहाँ, ऐसा क्या इस मेले में? कि हमारी मम्मी यही रहती हैं तो उन्होंने बोला था बहुत अच्छा स्वदेशी मेला लगा है, तो वो देखने के लिए हम स्पेशली। आज के जमाने में स्वदेशी लोग पसंद करते हैं? नहीं नहीं, स्वदेशी ही पसंद करते हैं, क्यों नहीं पसंद करेंगे, जरूर पसंद करेंगे। लोग विदेशी कल्चर अपना लिए? नहीं नहीं, जो स्वदेश में बात है वो नहीं है ना कहीं विदेशी में। पुराने टाइप के झूले आजकल बच्चों को कहाँ मिलते हैं देखने के लिए? देखिए, अब बच्चे टीवी वीडियो गेम में ही लगे रहते हैं। मैं भी वही कर रहा था। तो अब उनको ये कैमल राइड और यहाँ पे ये सब जो झूले हैं, तो इनका भी फील दिलवाने के लिए स्वदेशी मेले में लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपने कितना एंजॉय किया यहाँ आके, क्या क्या खरीदारी आपने यहाँ पे? देखिये, मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें सब है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने दिए लिए हैं गोबर से बने हुए, गोबर से, तो वो बहुत अच्छा स्टॉल था। और काफी अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, छोटी छोटी हैं पर काम आने वाली चीजें हैं, और मिट्टी के भी बर्तन हैं जैसे काफी टाइप के, तो सब चीज बहुत अच्छी। बाकी क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे काफी कुछ मिल रहा है, कपड़े की ज्यादा है दुकानें, कोई हेल्थ रिलेटेड चीजें मिल रही हैं, आंवले, शहद का आंवला, और भी बहुत सी चीजें मिल रही हैं, जैसे ये गोबर के वो हैं, बच्चों के लिए बहुत गेम्स हैं, तो अच्छा है काफी एंजॉय। यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन बैठी हुई है महिला। मैम, आप यहाँ आई हैं, क्या कैसा लगा? अच्छा लगा, तभी आए हैं। कब आई थी आप यहाँ? आज ही आई हूँ जी। मैं आज ही आई। हाँ जी, क्या क्या आपने देखा यहाँ पे? अभी इस लॉन्ग लाइन में आए, इधर जाएं गुड़िया और झूला झूल रही है बच्चे। हाँ जी, उसके लिए बैठी हूँ। कैसा लगता है इस तरह का जो स्वदेशी मेला है, आयोजन करना चाहिए? अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। नए बच्चे जो है युवा, वो आजकल स्वदेशी नहीं अपनाना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब तरह के ही है बच्चे, ऐसी बात नहीं है। हमारे बच्चे तो ये गोबर के दिए वगैरह, गणेश लक्ष्मी सब लेके गई है बेटी, तरह कुछ है। यानी कि आप क्या कहेंगे आज के युवाओं को, बच्चों को क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे हैं बच्चे, समझदार हैं, सब समझते हैं। हाँ जी, आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि इस मेले में क्या क्या है और किस तरह से स्वदेशी अपनाना चाहिए। स्वदेशी वाकई में अपना देसी, यानी कि अपना भारतीय उत्पादन है, चाहे वो खाने की बात करें या पहनने की बात करें या इंटरटेनमेंट की बात करें। यहाँ पे एक छोटे साहब है, देखिए फुल मस्ती, देखिए इनको दिखाइए थोड़ा सा, पूरे पसीने पसीना हो रखे हैं, क्या कर रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिवित गुप्ता और अभी मैं पहले उस ड्रैगन वाली राइड पे गया था, फिर मैं उस बाउंसी पे गया था, फिर मैं इस बाउंसी पे गया हूँ और अभी मेरे को प्यास लग रही है, इसलिए मैं पानी पीने जा रहा हूँ।
ये मोबाइल पे मिलता है? आप लोग मोबाइल में लगे रहे होते हो, मोबाइल में ये मिलता है? मोबाइल नहीं, क्या करना चाहिए, मोबाइल या ये? ये इस तरह का? हाँ, इसमें फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी मिल जाता है, दोनों चीज होता है ना, मोबाइल में तो वो नहीं मिलता ना। नहीं, तो क्या करना चाहिए? ये ज्यादा खेलना चाहिए। तो अपने मम्मी को बोलोगे बार बार लाने के लिए? हाँ। अपने अपने टाइप के बच्चे को क्या बोलोगे कि क्या करना चाहिए, मोबाइल या इसको यूज करना चाहिए? हमें आउटडोर एक्टिविटीज और करनी चाहिए और मोबाइल देखना कम करना चाहिए। कम करना चाहिए। हाँ। चलिए, आपने देखा यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि मोबाइल कम यूज करना चाहिए, स्वदेशी इस तरह का झूला प्रयोग करना चाहिए ताकि फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी होता है और मजे भी आते हैं खूब बच्चे को। आपने देखा कि बच्चा जो पसीना से पूरी तरह से तरबतर हो चुका था। चलिए अब हम कुछ और आपको दिखाते हैं। चलिए, हमने आपको बकायदा खाने के बारे में बताया, बच्चों के इंटरटेनमेंट की भी बात बताई, अब बड़ों की बात कर लेते हैं। हम पहुंचे हैं अब उस गली में जहां पर हैंडलूम यानी कपड़ों का दुकान लगातार है, यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खरीदारी कर रहे हैं। महिलाओं की विशेषकर यहाँ पे उपलब्धि देखी जा रही है, परफ्यूम भी है, शूट्स भी हैं, रॉ मटेरियल भी है, खाने पीने का सामान बहुत ही बड़े पैमानों पे यहाँ दिखा जा रहा है। कपड़े देख लीजिए, लेफ्ट या राइट में आप जिधर भी देखेंगे तो सूट है, साड़ी सूट सब कुछ यहाँ पे, तरह तरह के यहाँ पे जो कपड़े होते हैं जो विशेष उत्पादन में। यहाँ दिव्य ज्योति जागरण संस्था, यहाँ क्या कोई खास है क्या? जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो ब्लाइंड लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है उनके द्वारा बनाए हुए सारे प्रोडक्ट्स हैं। ओके। और हम लोग जो वॉलंटियर्स हैं, जो भी इसमें से रेवेन्यू जनरेट होता है सारा का सारा उन्हीं के वेलफेयर के लिए देते हैं। दूसरी बात ये कि जो स्वदेशी मेला है ये दिव्यांग लोगों के द्वारा, ये देख सकते हैं, ये देखिए काफी काफी मतलब कि आकर्षक, काफी आकर्षक है, जो भी कैंडल है बाकी और भी बहुत सारे चीज हैं, ये ब्लाइंड लोगों के द्वारा बनाया गया है, काफी अचंभित करता है लेकिन ये सच्चाई है। इनका कहना है कि ये ब्लाइंड लोगों के द्वारा बनाया जाता है और ये जो सेल होती है उन लोगों के सहयोग में काम आता है। तो मैं तो कहूंगा कि आप ऐसे संस्था को सहयोग कीजिए, ऐसे लोगों को सहयोग कीजिए ताकि वो इस प्रोडक्ट को और भी मेहनत से बना सके और ये मार्केट में लोग लें, लोग पसंद करें। ये कितने सालों से बनाते हैं लोग? सर ये करीब 20 सालों से बन रहा है और स्वदेशी मेला में हमारा करीब 10 सालों से है। स्वदेशी मेला का बहुत सहयोग है हमारे उस संस्थान के लिए। हर साल आप स्वदेशी मेला में? स्वदेशी मेला में शामिल होते हैं इन लोगों को सहयोग से। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ आपको दिखाते हैं। राइट में भी हैंडलूम, लेफ्ट में भी हैंडलूम, सॉरी बाएं और दाएं तरफ हैंडलूम का ही पूरा का पूरा जो कपड़े का सजावट का, यहाँ पे कुछ ज्वेलरी का भी है आइटम यहाँ पे देखा जा रहा है, सजावट के भी सामान यहाँ पे मिल रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। इस तरह से लगातार यहाँ जो पूरा ये गली है कपड़ों और सजावट यानी महिला प्रसाधन विशेष कहा जाए, ये गली देखा जा रहा है, ये पैसेज लेफ्ट और राइट लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। अब हम आगे कुछ और कांच के बर्तन तुल, चलिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। अमूमन आजकल तो स्टील के बाद प्लास्टिक, बहुत सारे क्रॉकरी वगैरह आ गए हैं, लेकिन ये चीज जो है, और मैंने पुराने जमानों की बात करें तो ये सब जो है कांच के बर्तन यूज किए जाते थे, कांसे की जो बर्तन होती थी, अभी भी यहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं, खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मैम, आज के टाइम पे इस तरह का बर्तन प्रयोग, हम सब वापस जा रहे हैं पुराने टाइम में, आई थिंक दोस टाइम्स वर द बेस्ट, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस सब इन बर्तनों में खाना पानी रखना पीना कहीं ना कहीं एक मेडिसिन का काम करता है, जो हम लोग भूल चुके हैं, हम भूल चुके थे, जो हम वेस्टर्न हो रहे थे वापस अपने रूट्स पे जा रहे हैं, सो इसीलिए आई हूं मैं खरीदने। क्या कहती है इस तरह का जो मेला ऑर्गेनाइज होता है? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, आई कम हियर एवरी डे। उन लोगों को क्या कहेंगे जो नए जमाने की जो प्लास्टिक होती है, क्रॉकरी होती है? माय किचन इज प्लास्टिक फ्री, सो प्लीज बी प्लास्टिक फ्री और वापस जाओ अपने रूट्स पे। यहाँ पे दुकानदार, इनसे भी बात कर लेते हैं बस एक मिनट के लिए। क्या नाम आपका? नयन कर्मकार। किस तरह का रिस्पॉन्स? पहले से थोड़ा मतलब आते तो होंगे, देखते हैं जा रहे हैं। ये लगातार इस जो मेला जो 10 साल से लग रहा है उसमें 10 सालों में लगातार लगा है या पहली बार?
नहीं पहले बन नहीं, इससे पहले भी हम लोग आ चुके हैं, तो उस हिसाब से इससे बेहतर नहीं, थोड़ा कम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ जी, ये बर्तन बर्तन नहीं, एक तरह से ये मेडिसिन है जिसे यूज करना चाहिए ताकि उससे बेहतर बीमारी बीमारी चली। तो मैंने आपको दिखाया कि ये जो पूरा जो पैसेज था कपड़ों का, महिला प्रसाधन, ज्वेलरी, बाकी और भी तरह के, और ये जो मैंने आपको दिखाया ये जो कांसे की बर्तन जो हमारे जमाने में चला करते थे लेकिन अब बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये इस बर्तन में प्रयोग करना खाने और पीने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चलिए मैं आपको एक और पैसेज उसको भी दिखाता हूँ आपको। अब हम अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, अब आपको दिखाते हैं कि देखिए घर में सजावट के लिए काफी आकर्षक ये किस चीज से बना हुआ है। इसे ये सब आयरन से बना हुआ है, इसको हम राजस्थानी क्राफ्ट कहते हैं। चलिए अब दुकानदार से ही बात कर लेते हैं। आप क्या नाम आपका? बाहर आएंगे आप ही आकर्षक बना रखते हो, क्या चीज से बना हुआ है? सर ये आयरन और कॉपर होता है इसके अंदर। ये कॉपर इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इसकी थोड़ा सा जो पेंट क्वालिटी होती है ना वो एनहांस हो सके और रस्टिंग ना लगे। तो वैसे बेसिकली राजस्थानी क्राफ्ट है, मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान में भी होती है और हैदराबाद में भी होती है जो हमारी शॉप है वहाँ पे। तो अभी हमने सर के साथ अभी सेकंड टाइम करा यहाँ पे, लास्ट ईयर भी अच्छा था और इस साल भी बढ़िया ही है। और इसमें स्वदेशी के लिए हम अगर लोहे की बात करें और आप कॉपर हैंडीक्राफ्ट आता है ना सर ये सारा, तो हैंडीक्राफ्ट में मतलब एक एक चीज को मतलब इनको बनाने में एक एक पीस को हमें कम से कम 2 से 2.5 दिन का टाइम लगता है। बात करें क्या नाम है इसका? ये म्यूजिक सेट गिना जाता है जैसे सबके हाथ में है ना, ये वॉल हैंगिंग होता है, ये वॉल म्यूजिक कुछ आएगा। जी जी, वॉल हैंगिंग होता है, इसके ऊपर ये सब अलग अलग म्यूजिक बजा रहे हैं, जैसे कोई ढोल है कोई किसी बात प्रदर्शित कर रहे हैं। जी हाँ, इसका प्राइस क्या है? इसका वैसे प्राइस नॉर्मली अपना 2100 रुपए। जी, हैंडीक्राफ्ट आता है ना। अगर मैं बात करूं आपके शॉप में मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो मिनिमम हमारे पास वैसे आप देख सके तो ये स्टैंडिंग में आता है, म्यूजिक सेट आता है, ये 700 से शुरू हो जाता है। 700 और मैक्सिमम कहां जाता? मैक्सिमम अगर आप राधा कृष्णा, हमारे सबसे फेमस है यहाँ पे राधा कृष्णा हो गए, गणेश जी हो गए, और ये गणेश जी की तस्वीर काफी अच्छी लग रही है। जी 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 जी, तो काफी मेहनत लगा होगा बनाने में आपको? जी सर, कम से कम ये एक उसको बनाने में कितने टाइम लगते हैं? अगर एक गणेश जी की बना रहे हम, अगर एक आदमी वर्कर लगता है तो कम से कम 5 दिन लगा देता है एक पीस को बनाने में पूरी फाइनल। इसलिए उनकी कॉस्ट थोड़ी इसलिए आई होती है क्योंकि टाइम लगता है ना, स्वदेशी और हाथ से हैंडीक्राफ्ट है, ऊपर से हैंडीक्राफ्ट को बनाने में टाइम इसलिए लगता है ज्यादा क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी चीजें हैं उसमें। दिखाना चाहूंगा ये देखिए, ये जो घोड़े का है, जो हॉर्स वाली तस्वीर है, अमूमन लोग तस्वीर जो नॉर्मली पेपर का यूज करते हैं घरों में, बहुत सारे घर में और ऑफिस में यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हाथों से बना हुआ है। अगर पीछे से इस पे लाइट जल रही है तो क्या आकर्षक, यानी कि अगर देखा जाए तो वास्तविक में लग रहा है जैसे कि घोड़ा दीवार से निकल के बाहर ही आ रहा है। शुभ माना जाता है ना, काफी शुभ सेवन और शुभ माना जाता है, उसके लिए तो लोग पसंद भी करते हैं अपने घरों में लगाना कि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी इससे घर के अंदर। ऐसा होता है क्या? हाँ, वैसे काफी लोगों का कहना और हमारा कहना यूं है कि हम लोगों के लिए ऐसी चीज तैयार करें जिनसे उनको खुशी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के उपनगरी है द्वारका, सेक्टर 7, और उस 7 सेक्टर में ये CCRT जो एक संस्था है उसके ग्राउंड में स्वदेशी मेला लगा हुआ था, और ये मेला 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था और ये कल 23 तक रहेगा। हाँ, हमने थोड़ी देरी से आपको इस बारे में जानकारी दी, लेकिन अभी भी समय है, कल इस मेले में आइए और स्वदेशी सामानों का लुत्फ उठाइए, चाहे वो पहनने की बात हो या खाने की बात हो या स्वदेशी, अगर बच्चों की बात करें तो उसके खेलने घूमने धूपने जो खेलने कूदने की बात करें वो भी यहाँ व्यवस्था है। साथ में एक ऊँट की भी व्यवस्था की गई है, जिस तरह से लगता है कि जैसे हम जाके जयपुर में घूम रहे हैं तो उस तरह का ऊँट भी यहाँ मिलेगा जो बच्चे उस पर घूम सके। तो आप आइए, इस मेले का लुत्फ उठाइए, काफ़ी अच्छा स्वदेशी मेला है। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली।